अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपकी आपके बच्चों की सेहत इज़्ज़त ईमान में अपने खैर बरकत अता फरमाए, आमीन। तुम क्यों बोली थी मैं इस हफ्ते तक रुकूंगी? मुझे क्या पता था कि मैं लाइट जाती है, मुझे क्या पता था कि घर ऐसे कैसे मस्त होता है, मुझे क्या पता था कि कैसे पानी नहीं आता है। सब पता था तुमको। ये देखिए, ये भी नहीं कि हाँ छोटी बहन आई है, उसको प्यार कर ले, पूछो सही हो कैसी हो, है ना। एक पकौड़ा उठाओ सर उसके पास से, सबसे पहले पकौड़े उठा ठीक है। अच्छा हाथ वाला भी ले ली। और देखें हफ्सा की बहुत ज़िद करने पे मैं हफ्सा को लेके गई थी घूमने अपनी दोस्त के घर और अपनी बहन के घर, और वहाँ हफ्सा रुक गई थी मेरी बहन के घर, और बस देखे रुकी थी पूरे एक हफ्ते के लिए, और दो दिन बाद ही आ गई। चिढ़ा क्या रही है, क्या बोले अभी? हाँ तुमको बात सही है ना, ठीक है अच्छा है, देख लो पगला तुम बनाए हो इसको। हेलो बाबू चाबू चाबू बाबू टाबू मोटी बाबू कितनी गंदी है मरियम। शानी को मैसेज की क्या की? मैं पहुंच गई। बोलो आप बाप। ये देखो मस्त हुआ है। चलो अक्सर तुम्हारी बारी है, कार्टून देखने की। अभी बहुत मेरा नहाने की बारी, देख देख के थक गई है, अब तुम्हारी बारी है। सही है, जिंदा है। कौन जिंदा है? मोबाइल बाहर बताए, नीचे नहीं गया ना, यहाँ इससे टकराया। नहीं करो ठीक है। तुम तो सोने जा रही थी ना, हैं? तुमसे पूछे खाना खाओगी, तुम क्या बोली? नहीं तो जाओ 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 बाय बाय टाट, सोने की दुआ पड़ के सुनना। ये देखो रिकॉर्ड हो गया। और देखे मैंने बनाए थे थोड़े से पकौड़े, तो फिर हफ्सा के आने पे मैंने पापड़ भी फ्राई कर लिए थे, और वो पकोड़े जो हफ्सा ने उसके हाथ से लिए थे ना, तो उसका गम रात तक चलता रहा, और मरियम बहुत गु़स्से में रही और रोती रही कि मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। अब बस अब हो गई दूसरी सुबह। अब हफ्सा क्योंकि आ गई, दो दिन भी नहीं थी ना वो, तो ऐसा लग रहा था अच्छा ही नहीं लग रहा था, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऊपर से मैं जिस दिन से उसको छोड़ के आई थी ना, तो मेरी तबीयत ही बहुत ख़राब थी, बुखार आ गया, सबसे पहले मुझे बुखार आया और फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। अब हफ्सा घर आ गई तो मैंने बोला चलो भाई हफ्सा को थोड़ा सा खुश करते हैं। तो फिर हफ्सा के लिए देखे सुबह सुबह उसको बहुत पसंद है कि ऐसे कचौरियाँ बना दूँ मैं, तो बस कचौरियाँ बना दी, और फिर केक हफ्सा बना के गई थी मगर कस्टर्ड उसका बन नहीं सका था, तो वो केक भी ख़राब होने का मुझे खदशा था, वैसे तो बिल्कुल सही था। तो ये फिर देखें उसकी फरमाइश पर ही मैंने कस्टर्ड भी बना दिया, ये चेली घर पे ही जमाया, और ये देखिए कस्टर्ड तैयार हो गया है। तो बस तबीयत ख़राब रहे या जो भी है ना, कोशिश होती कि हाँ भाई बच्चे अच्छे से रहें, अच्छा खाएं पिएं। तो अब क्योंकि हफ्सा के स्कूल खुल जाएंगे, तो हफ्सा की फरमाइश जो है ना वो और तेज़ी से आगे बढ़ रही कि जल्दी से ये भी बना दे, जल्दी से वो भी बना, नहीं तो मैं खुद बना लूँगी, ये भी होता है। तो बस देखिए ये कस्टर्ड तैयार हो गया है, कस्टर्ड निकल रहा है, सब खाएंगे ठंडा ढार कस्टर्ड। और ये बिल्कुल बस केक है, जेली है और कस्टर्ड है, कोई फ्रूट्स वगैरह इसमें नहीं डाले। करने बोला है ना मम्मा ने मुझे, तेरे प्यार कर रहे हैं, तुझे कार्टून देखने देंगी? हाँ एक बस एक कार्टून, थैंक यू। और देखे मरियम को कल के पकोड़े वाली लड़ाई आज तक चल रही थी, यानी मरियम का मूड अभी तक ख़राब था। तो फिर दोनों बहनों की दोस्ती करवाई और बनाए साबुत मसूर और चावल वो बनाए। और देखे हफ्सा के चल रहे हैं करतब, तो पता नहीं क्या ये एक्सपेरिमेंट कर रही थी, कह रही थी देखे इसमें से धुआँ निकलता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने बोला नहीं मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो बताइएगा, क्योंकि हफ्सा को कुछ ना कुछ तजुर्बे करने होते हैं। तो ये करिए, और मरियम देखिए अपना मस्त कार्टून देखने में लगी हुई है, और आज मेरी फरमाइश पे मरियम को नया कार्टून खा रहे, वरना मोटू पतलू के अलावा ये कुछ देखती ही नहीं है।
अब देखिए मरियम हफ्सा की लड़ाई तो रोज़ाना ही होती दो तीन दफ़ा, मगर मैं हफ्सा मरियम से यही कह रही थी कि दो दिन बाद आई हफ्सा तीसरे दिन, है ना, फिर भी तुमने हफ्सा को प्यार नहीं किया। तो बस मरियम को उस बात का ही गुस्सा लगा था कि मुझे क्यों बोली कि हफ्सा को प्यार करो। खैर मैं भी उनकी मामा हूँ, मैंने हफ्सा को प्यार करवा के ही छोड़ा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।